राष्ट्रीय जन औषधि दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आम जनता से मुखातिब होंगे। समारोह के माध्यम से भारतीय जन औषधि केंद्रों के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने भारतीय जन औषधि परियोजनाओं के अंतर्गत देश भर में लगभग 700 जिलों में सस्ती दवाइयां और इलाज की सुविधाएं गिनाई और समस्त देशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए जेनेरिक दवाइयों का महत्व भी बताया। साथ ही सरकार के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने की बात कही। रायपुर के कोटा स्टेडियम के पास जन औषधि केंद्र में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी को सुना। इस मौके पर बड़ी संख्या में लाभार्थी भी मौजूद रहे।